नमस्कार। खूंटी जिले की बड़ी खबरों का शुरुआत करते हुए बता दें कि खूंटी थाना क्षेत्र के सिलादौन में राजेंद्र महतो और उसकी पत्नी को उसके ही बेटे श्याम महतो ने पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। वहीं मृतक के दूसरे बेटे राम महतो ने बताया कि श्याम महतो पहले भी 5 डिसमिल में जमीन बेच चुका था, उसके बाद और जमीन बेचना चाह रहा था, लेकिन उसके पिता राजेंद्र महतो ने जमीन बेचने से मना कर दिया, जिसके कारण श्याम महतो ने अपने ही माता पिता की पीट पीट कर हत्या कर दी। अगली खबरों में बता दें कि भगवान बिरसा मुंडा के 122वें पुण्यतिथि पर जिले भर से टाना भगत खूंटी के बिरसा पार्क में एकत्रित हुए, जहां परंपरागत तरीके से उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की। खबरों में आगे बता दें कि जरियागढ़ थाना अंतर्गत ग्राम डही केला बरटोली के जकरेश होरो की 14 वर्षीय पुत्री जसिता होरो की वज्रपात के चपेट में आने से मृत्यु हो गई। जकरेश होरो ने बताया कि तेज हवाओं के चलते गिरे आम को चुनने के दौरान आसमानी बिजली उसकी बेटी पर आ गिरी, जहां घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। अगली खबरों में बता दें कि खूंटी जिला कांग्रेस कमेटी ने भगवान बिरसा मुंडा के 122वें पुण्यतिथि पर कांग्रेस कार्यालय प्रांगण में शहादत दिवस मनाया। वही खबरों में आगे बता दें कि तोरपा थाना अंतर्गत ग्राम गुड़िया निवासी सामुएल भेंगरा के 13 वर्षीय पुत्र अंकित रतन भेंगरा का वज्रपात के चपेट में आने से मृत्यु हो गई। मृतक अंकित रतन भेंगरा के कुआ ने बताया कि अंकित अपने दोस्तों के साथ घर के बगल में खेत में खेल रहा था, तभी अचानक वज्रपात हुआ और वज्रपात के चपेट में आने से उसकी मृत्यु हो गई। अगली खबरों में बता दें कि खूंटी के बिरसा पार्क में खूंटी उपायुक्त श्री शशिरंजन एवं पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष शेखर ने भगवान बिरसा मुंडा के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित की। खूंटी जिले की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ गुंजन।